अभी हम इन सब की बातों से संतुष्टि अपनी व्यक्त नहीं कर सकते, ठीक नहीं है। हम सीएम जी से बात करेंगे, उसके बाद संतुष्टि बताएंगे। समय दिया है आपको, बोला है मिलवाएंगे, बात करेंगे, किस समय बताया है? समय बताया गया है कि हम आपको 1 घंटे पहले बता देंगे कब मिलवाएंगे। आपने 3 जो मुख्य मांगे रखी थी, कोर्ट का जो केस है उसको यहाँ पे ट्रांसफर किया जाए, 50 लाख का मुआवजा आप चाहती थी और 1 नौकरी, क्या उसको लेकर के कोई आपको आदेश या कोई इंगित किया गया, कोई बात कही गई अभी तक, कोई आश्वासन? अभी कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, कहा गया है ये आपको सीएम जी बताएंगे उनसे बात होने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, वहीं से आपको वहीं से जो आदेश होगा वही माना जाएगा। देखा था आपने जिस तरीके से बात रखी थी, आप न्याय की बात कर रही हैं, आप जब से ये प्रकरण आया परेशान हैं, हम देख रहे हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि इसमें जो तफ्तीश की बात हो रही है, जांच की बात हो रही है, निलंबन की बात हो रही है, वो पारदर्शी है, आपको लग रहा है जिस दिशा में कार्रवाई हो रही है? अभी मुझे कार्रवाई के बारे में कुछ भी सूचना नहीं मिली है, इसीलिए मैंने सीबीआई जांच के लिए उसमें लिखा है। आपने सीबीआई जांच की मांग की? हाँ, मैंने जो पत्र दिया उसमें लिखा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री से क्या कहेंगी, आपको लग रहा है कि वो संवेदनशील होंगे इस मामले? अभी तक मैं जितना मुख्यमंत्री जी के बारे में न्यूज़ सुन के जान पाई हूँ, तो ये नॉर्मल घटना नहीं है, उसको वो बहुत लाइट नहीं ले सकते हैं। एक पुलिसकर्मी, 6 पुलिसकर्मियों ने एक निर्दोष की हत्या करी है, और वो निर्दोष भी एक ऐसा है जिसके घर पे कोई नहीं है उसके अलावा, तो मुझे नहीं लगता है सीएम महोदय इसको बहुत हल्के मिलेंगे।